नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। आशा करते हैं आप सभी दर्शक अपने घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचाव हेतु तो आवश्यक सावधानी भी जरूर बरत रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आंकड़ों की। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 30,549 नए केस सामने आए जबकि 422 लोगों की मौत हुई। बता दें कि पिछले चार दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 कम हो गई है। पिछले हफ्ते कोरोना के आंकड़े 43,000 के पार पहुंच गए। 38,887 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। राहत की बात यह है कि नए मामलों की कमी के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,04,558 पर पहुंच गई है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल मामले 3,17,26,507। देश में कोरोना से ठीक हुए मामलों की अगर बात करें तो 3,08,96,354। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 4,25,195 पर पहुंच गया। बात करेंगे अब जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें जनपद सहारनपुर में लगातार पिछले एक महीने से कोरोना के आंकड़ों की जो संख्या जो सामने आ रही है वो सिर्फ 1 से 2 तक सिमट कर रह गई, जो कि एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। आज फिर से स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ना ही सहारनपुर में कोई संक्रमित मरीज मिला, जो कि एक राहत भरी खबर है। जिसके बाद अभी भी कुल संक्रमितों की संख्या 32,899 पर बनी हुई है। राहत की बात ये भी रही कि आज एक मरीज ने कोरोना से जंग जीती और स्वस्थ होकर फिर से अपने परिवार के बीच लौटा। अब जनपद में एक्टिव केस की संख्या 10 है जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसीलिए कोरोना भी खत्म भी नहीं हुआ है और कोरोना की तीसरी लहर जो कि वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगस्त के अंत तक आ सकती है। इसीलिए हम सभी को सावधानी बरतनी है, मास्क का प्रयोग करना है, समय समय पर साबुन से लगातार अपने हाथों को धोना है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन भी जरूर लगवाइए। आज का अपडेट आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए